नमस्कार। राज्य सरकार दूसरा कार्यकाल उसके 2 साल, इस खास पेशकश में आज हमारे साथ हैं सूबे की जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी जी। किरण माहेश्वरी जी एक जाना पहचाना नाम है भाजपा के लिए भी और जनता के लिए भी। किरण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वैसे तो खैर सरकार को 2 साल हो गए लेकिन आपको मंत्री बने हुए 1 साल हुआ है, आपको क्या लगता है जब आपने मंत्रालय संभाला उस पर आपने क्या ऐसा खास किया जो जनता के लिए बहुत सराहनीय हम कह सकते हैं या बहुत यूजफुल हम कह सकते हैं उसको? देखिए, ये डिपार्टमेंट तो बहुत ही टिपिकल डिपार्टमेंट है और बहुत ही चुनौतीपूर्ण है क्योंकि राजस्थान में पेयजल अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से राजस्थान प्रदेश जो है, जहाँ पानी की उपलब्धता पूरे देश के सिनेरियो में अगर मैं देखूँ तो मात्र 1% ही पानी की उपलब्धता यहाँ पर सरफेस वाटर की है, और अगर ग्राउंड वाटर देखा जाए तो मात्र 1% मैंने 1.7% इतना ही है केवल। तो अब आज के समय में ऐसी हालत है कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स की सस्टेनेबिलिटी नहीं रही है क्योंकि 90% प्रोजेक्ट्स ग्राउंड वाटर के ऊपर है। बिल्कुल। और आए दिन हम लोगों के ट्यूबवेल सूख जाते हैं और सारी उसके ऊपर योजना जो होती है, जहाँ पाइपलाइन भी डली हुई है, सब कुछ है, कनेक्शन लाइट का कनेक्शन है, लेकिन वो योजनाएँ ख़त्म हो जाती क्योंकि पानी नहीं है जमीन में। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम लोगों ने कुछ कदम उठाए हैं इसको सुधारने के लिए। जहाँ हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते थे, वाटर रिचार्ज नहीं करते थे कभी भी, पानी का दोहन तो बराबर होता रहा लेकिन उसमें हमने कभी रिचार्ज करने का नहीं सोचा। तो अभी डिपार्टमेंट ने ये तय किया है कि हम हमारे जितने भी ट्यूबवेल्स होंगे, जितने हम लोग नए स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ट्यूबवेल के, उन सब के साथ में रिचार्ज का भी हम लोग साथ साथ करेंगे। जी, जी। तो वाटर रिचार्ज करने का एक बड़ा कदम हम लोग उठा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो टेंडर सिस्टम था यहाँ पे, उसको प्रॉपर ऑनलाइन तो था लेकिन उसकी ANF सैंक्शंस ऑनलाइन नहीं होती थी, वो अब हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। पेमेंट्स जो है उसका हम लोग ठेकेदारों को जो पेमेंट कर रहा है वो सारा ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से काफ़ी पारदर्शिता आएगी डिपार्टमेंट में काम की, तो हम लोग इसके ऊपर भी कर रहे हैं कि हम लोगों की काम के प्रति पारदर्शिता रहे। दूसरा, हम लोगों ने ये सोचा है कि जहाँ पर हमारे जो योजनाएँ बनाने की ज़रूरत है, जैसे सरफेस वाटर के ऊपर हमें ज़्यादा रिलाय करने की ज़रूरत है, तो वहाँ जहाँ जहाँ पे भी सरफेस वाटर अवेलेबल है वो सरफेस वाटर से योजनाओं को बनाया जाए। केवल हम हैंडपम्प और ट्यूबवेल तक ही सीमित नहीं रहे लेकिन हमें नई योजनाएँ बनानी होगी। तो छोटे छोटे भी पानी के सोर्सेज अगर गाँव के अंदर हैं और उन गाँव के वो पानी के सोर्सेज सस्टेनेबल है, यानी वो टिकते हैं पूरे साल, लेकिन तालाब है और उस तालाब से हम लोग, तो वहाँ पर हम लोग फिल्टर प्लांट लगा के और उसको हम लोग पेयजल के साथ में जोड़ने का हमने तय किया है। तो कुछ इस तरीके के कदम हम लोग उठाना चाहते हैं। शुद्ध पेयजल के संदर्भ में भी हम लोगों ने आरओज लगाने का तय किया। पिछली बार हमारे लगभग 700 आरओज हमारे लग चुके हैं, अभी हम लोगों ने 2000 आरओ और लगाने का फैसला किया है जो टेंडर प्रक्रिया के अंदर चल रहा है। और इसी तरीके से हम लोग आरओ के माध्यम से जो डिपार्टमेंट के द्वारा लगाएंगे प्लस कुछ CSR के अंदर भी लग रहे हैं। हम लोग कॉरपोरेट हाउसेस को भी कह रहे हैं कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर फ्लोराइड का पानी कहीं है तो राजस्थान में, सबसे ज़्यादा नमक का अगर कहीं पानी है तो वो राजस्थान में। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग ये सोचते हैं कि राजस्थान में शुद्ध पेयजल भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसलिए आरओ लगाना, आरओ के साथ साथ डिपार्टमेंट से और CSR से प्लस एंटरप्रीनर्स के साथ में भी जुड़कर नए एंटरप्रीनर्स खड़े कर रहे हैं, बैंक के माध्यम से उनको लोन दिलवा रहे हैं और वो वहीं पर गांव के अंदर उन लोगों को अपना पानी भी मिल जाए गाँव को शुद्ध, और रोजगार भी मिल जाए। ये दोनों उसके ऊपर भी हम लोगों ने वर्क करना शुरू किया है। तो मैं समझती हूँ ये एक बड़ा कदम है। इसके अलावा जो हमारे सोलर प्लांट्स हैं, तो हम वाटर के सोलर पंप्स लगा रहे हैं, 1 HP के सोलर पंप्स लग रहे हैं हमारे। अभी तक हम 1 HP का जो ट्यूबवेल के ऊपर लगाते थे मोटर, उसका बिजली का खर्चा गांव वालों को देना होता था या डिपार्टमेंट को देना होता था। अब हम लोगों ने ये कर रहे हैं कि हम सोलर पंप्स लगा रहे हैं, तो उससे बिजली का खपत नहीं होगी और उसमें बहुत सारा उन लोगों को राहत मिलेगी। तो मैं समझती हूँ कि कुछ ऐसे कदम हम उठाने जा रहे हैं जिससे कि काफ़ी हम लोग मीटरिंग कर रहे हैं। अभी मीटर्स नहीं लगे थे, अब हम लोग 100% मीटरिंग कर रहे हैं। 7 शहरों को हमने चुना है पहले चरण में, जो हमारे संभाग के मुख्यालय हैं, जहाँ जोधपुर है, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर,
अजमेर, ये कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर हम लोग 100% मीटरिंग करेंगे, तो उससे कम से कम पानी की बचत हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को हम लोग और कवर कर सके पेयजल के लिए। कुल मिला के ये मैंने एक सवाल पूछा था और आपने बहुत सारी लंबी फहरिस्त उसमें जोड़ दी, बहुत सारे काम आपके हैं, लेकिन मेरा ये मानना है शुद्ध पेयजल मुहैया कराना सबसे बड़ा दायित्व है, उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? ये शुद्ध पेयजल के लिए ही मैंने आपको कहा कि जैसे हम आरओ प्लांट्स लगा रहे हैं, ये शुद्ध पेयजल के लिए होगा और ये बहुत ज़रूरी होगा कि हम लोग 22,000 हमारी ऐसे हैबिटेशंस हैं जहाँ पर क्वालिटी प्रॉब्लम है पानी की, तो उन 22,000 हैबिटेशंस में एक साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैंने कहा आपको हम लोग तीन वे में ले रहे हैं। जैसे बाड़मेर के अंदर केन आया है, जो केन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी है, तो लगभग वहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो 1,000 पॉइंट्स हैं जहाँ पर आरओ की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि उसमें से 400 पॉइंट के ऊपर बाड़मेर के अंदर वो अपना आरओ लगाएंगे। ऐसे ही हम लोग कॉर्पोरेट हाउसेस को हम लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि वो लगा ले, तो ये आरओज लगाकर पेयजल को शुद्ध करना। इसी तरीके से जो गंगानगर हनुमानगढ़ से जो IGNP का जो पानी आता है और जो नहर का पानी बहुत दूषित पानी है, उस पानी को भी जो लोग बाग अभी तक सीधा डायरेक्ट ही ले रहे थे, तो अभी हम लोग नई डिगियाँ बनाकर और जो स्लो सैंड फिल्टर्स थे उनको रैपिड सैंड फिल्टर्स में हम लोग कन्वर्ट करके उसको अपग्रेड कर रहे हैं ताकि शुद्ध पानी उन लोगों को मिल सके। तो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है हमारे, उनको भी हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, जो बहुत पुराने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है उनको अपग्रेड कर रहे हैं ताकि पानी की शुद्धता बढ़ जाए और लोगों को पानी की उपलब्धता भी बढ़े। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर हमारा चल रहा है, एक तरफ तो क्वालिटी प्रॉब्लम है उसको हम लोग आरओ के माध्यम से कर रहे हैं, कुछ जो केवल फ्लोराइड की प्रॉब्लम है वहाँ पर हम लोग DFUs लगा रहे हैं, डीफ्लोरेशन यूनिट्स लगा के उसको पानी को शुद्ध कर रहे हैं, और जो बड़े लार्ज स्केल के ऊपर जहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हैं वो पुराने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उनको हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। आपकी इतनी सारी बातों से खैर ये प्रश्न बनता नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जो आपका डिपार्टमेंट है थोड़ा ठंडा डिपार्टमेंट है, कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है, आप इसमें क्या सफाई देंगी? मैं तो ये कहूँगी कि हमारे डिपार्टमेंट में तो बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि करने वाला चाहिए काम, और ये डिपार्टमेंट मैंने जैसे पहले भी कहा कि बहुत ही संघर्ष है, बहुत चुनौतियां हैं यहाँ पर पानी की उपलब्धता को लेकर, तो अगर बारिश बहुत ज़्यादा आ जाए तो भी हमारे लिए दिक्कत है और पानी कम बरसे तो भी हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि वर्षा जल कितना आता है, किस तरीके से पानी की बारिश कितनी अच्छी हुई है, इसलिए प्रकृति का प्रसाद है पानी और हम उस पानी के ऊपर ही डिपार्टमेंट जो है उसी के ऊपर हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, और इसीलिए वाटर रिचार्जिंग के स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ गई और पानी बहकर चला गया तो वो पानी हमारे काम का नहीं रहा, इसलिए उन पानी को संजोए रखना, संचय करना ये बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर डिपार्टमेंट ने अभी एक इंटरनेशनल लेवल की एक वर्कशॉप भी रखाई थी जिसमें हम लोगों ने वाटर रिचार्ज के नई टेक्निक्स क्या क्या हो सकती है उनके ऊपर हम लोगों की बहुत ही अच्छी चर्चा हुई थी और उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई है, और इस पर रिसर्च भी हम लोगों ने जो किया है, जिन लोगों ने, उन लोगों को भी हमने कॉन्टैक्ट किया है, और अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि हमारे सारे ही जो नए ट्यूबवेल्स अब हमारे होंगे उसमें साथ में टेंडर के साथ में ही हम लोग इसको डालेंगे कि वाटर रिचार्ज भी साथ साथ स्ट्रक्चर होना चाहिए। किरण जी, बीसलपुर बांध से कई नए जिलों को जोड़ने की बात काफ़ी समय से चल रही है, तो कब तक वो अमली जामा दिखाई देगा? देखिए, बीसलपुर का जो पानी है वो जिस तरीके से योजनाएं सब लोग चाहते हैं कि बीसलपुर से जुड़ जाए, लेकिन पानी बहुत सीमित है, और अभी सबसे पहले हम लोगों ने अजमेर को जोड़ा था बीसलपुर से सेकंड फेज में, फिर दूसरी बार हमने जयपुर ज़िले को जोड़ा, अभी हमारे टोंक ज़िले को जोड़ने का पूरा हमारा चल रहा है वहाँ पे काम, और बहुत ही शीघ्र मुझे लगता है 5-6 महीने में वो काम कंप्लीट हो जाएगा, तो पूरा टोंक जिला जुड़ जाएगा। जयपुर का फेज टू जो कि आउटर एरियाज हैं जो रिंग रोड के आगे का, वो सारा भी हम लोग पृथ्वीराज नगर वगैरह ये सारा भी जयपुर का सेकंड फेज में बीसलपुर से ही जुड़ने वाला है, तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे DPRs जल्दी से जल्दी बन जाए और जयपुर का जो सेकंड फेज है उसको हम लोग जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर लें। बीसलपुर के पानी को बांटने की तो बात कर ली, लेकिन बीसलपुर पानी की आवक बढ़े उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात पूछी आपने, उसके लिए भी हमारी प्लानिंग चल रही है, DPRs हमारे बन रहे हैं, जो हमारी जो दो नदियाँ जो है बनास नदी और ब्राह्मिनी, तो ये हमारे उस कैचमेंट के अंदर आती है, तो वो पानी जो है हम लोग उस नदियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं ताकि बीसलपुर के अंदर पानी हम लोग आवक बढ़ा सकें, और इसके लिए हमारी DPRs अभी बन रही है। सरस्वती नदी को खोजने के लिए आपका प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ तक पहुँचा है?
सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करना ये एक बहुत ही सुंदर सपना है और इस सपने को साकार करने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं और हम लोगों ये चाहते हैं कि जो सैटेलाइट पिक्चर्स के माध्यम से जो सरस्वती नदी बताई गई है राजस्थान में, तीन प्रदेशों में बताई गई है, वैसे तो हरियाणा में है, राजस्थान में है और तीसरा गुजरात के अंदर है, तो ये जो फ्लो है वो उसको कैप्चर करने की बात है कि सरस्वती नदी का जो गूगल के अंदर जिस तरीके से मैप्स में दिख रहा है, सैटेलाइट पिक्चर्स में दिख रहा है कि ये फ्लो है यहाँ पर, तो राजस्थान में उसको रिजुनेट करने के लिए हमने एक DPR बनाया और उस DPR के से हम लोगों ने 70 करोड़ की मांग सेंट्रल गवर्नमेंट से करी। उमा भारती जी से मैं स्वयं मिली थी और मुझे खुशी है कि उन्होंने इसको स्वीकृत भी किया और 70 करोड़ रुपया उन्होंने सेंट्रल ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट को उन्होंने दिया कि वो इसके माध्यम से उनको रिजुनेट करे सरस्वती नदी को। हाल ही में मैंने खुद ने तय किया है, 2 दिन बाद मैं हरियाणा जा रही हूँ, वहाँ पे आदि बद्री जो स्थान है जो जहाँ पर उन्होंने सरस्वती नदी को रिजुनेट किया है, जो सरस्वती नदी को पुनरुत्थान करके जो सरस्वती नदी का एक कुंड वहाँ पर बनाया है और उसके बाद उनका वहाँ से ही काम उन्होंने शुरू किया है सरस्वती नदी को निकालने का, तो उस तरीके से जो उन्होंने किया है वही देखने जा रही हूँ। उसी बेसिस के ऊपर हम राजस्थान में कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम प्लानिंग करेंगे और मैं समझती हूँ कि सरस्वती नदी अगर ये सरस्वती नदी का पुनरुत्थान हो जाता है, पुनर्जीवित हो जाती है जो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, और ये अगर होती है तो ये 5 जिले को कवर करेगी जहाँ पर हमारा गंगानगर, हनुमानगढ़ के अलावा बीकानेर जिला होगा, बाड़मेर होगा, जैसलमेर होगा, और ये जिले ऐसे जिले हैं जो पानी की बहुत ज़बरदस्त समस्या को फेस कर रहे हैं। आज भी महिलाएं बहुत दूर दूर से बाड़मेर के अंदर पानी लेकर आने के लिए मजबूर होती है, तो अगर सरस्वती नदी वहाँ पर आ जाती है तो इससे बड़ा और अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता। तो हमारी तरफ से यही हमारी प्लानिंग है और ये सपना है जो मैं सोचती हूँ कि हम लोगों की मेहनत और ईश्वर की कृपा से ये पूरा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।